दिए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे और अपने बेयरिंग को डिज़ाइन करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको पिछले क्लास में कि वी हैव मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ बेयरिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट सो बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट ए बेयरिंग तो हमें यहां पर पढ़ना है कि उस बेयरिंग को जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे उसको हम कैसे सेलेक्ट करें क्योंकि अगर कहीं आपने गलत बेयरिंग सेलेक्ट कर ली और आपने अपने अप्लायंसेस पे लगा दिया तो आपका सिस्टम क्या फेल्ड वो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा तो इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम उस बेरिंगों को डिजाइन करेंगे डिजाइन करने के बाद कैसे किस को हम चूज करेंगे और साथ ही साथ जो कोडिंग है उस कोडिंग का क्या मतलब है क्योंकि हर बेरिंग किसी एक बेरिंग नंबर से डिफाइन होती है तो उस नंबर का क्या मीनिंग है उसको भी हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे तो लेट इज स्टार्ट तो सबसे पहली चीज जो टर्नोलॉजी में आती है देट इज बेयरिंग लाइफ जिसको कि हम एल्टन से डिनोट कर रहे हैं वट इज बेयरिंग लाइफ बेरिंग लाइफ एज द नेम सजेस्ट कि भाई हमारी बेरिंग जब काम कर रही है तो दिए हुए लोड पर वो कितना मान लीजिए कोई शाफ्ट उस पर रोटेट कर रहा है टे कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सर्टन लोड हैज बिन अप्लाइड तो वो कितनी लाइफ जी रही तो उस लाइफ को हम डिफाइन बेसिकली दो तरह से करते हैं आइडर ही वो कितने मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद उसमें पहला फैटिक साइन ऑफ फेलियर आ रहा है या फिर वो कितने घंटे के बाद फेल हो रही है तो दिस इज वाट बेयरिंग लाइफ तो बियरिंग लाइफ इज़ दैट लाइफ विच कैन बी डिफाइंड इन टू वेज आइदर इन द नंबर ऑफ आवर्स और इन टर्म्स ऑफ मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन एक ही बात है या अगर मैं कहता हूँ कि बेरिंग पांच हज़ार घंटे चल रही है और उसको फिर उसी घंटों को अगर हम मिलियन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे करेंगे वो भी इस क्लास में हम देखेंगे तो वो हमारी बताएगी बियरिंग लाइफ यानी कि वो लाइफ जबकि किसी दी हुई कॉन्स्टेंट शाफ्ट स्पीड पर दिए हुए लोड पर अगर बियरिंग कम से कम उतने घंटे चलती है या उतने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करती है तो वो उसकी बेरिंग लाइफ कहलाएगी व्हाट इज डायनमिक लोड डायनमिक लोड जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि डायनमिक लोड वो रेडियल लोड या वो एक्सियल लोड जो कि किसी बेयरिंग पे लग रहा है और उसके लगने के बावजूद भी बेयरिंग कम से कम टेन टू दावर सिक्स यानी कि वन मिलियन रिवॉल्यूशन एटलीस्ट रोटेट करे तो उसको डायनेमिक लोड कहलाता है यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वाइल्ड डिफाइनिंग डायनेमिक लोड वन मिलियन रिवॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज माइंड बी किसी बेयरिंग पचास मिलियन रिवॉल्यूशन में फेल कर सकती है हो सकता है पर जब हम उसका डायनेमिक लोड डिफाइन करेंगे तो वन मिलियन रिवोल्यून पर डिफाइन करेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू शुड माइंड इट दैट फॉर डायनेमिक लोड वन एवर वी आर डिफाइनिंग द डायनेमिक लोड it is being defined with respect to the 1 million revolution second most important thing while defining the dynamic load is that that we are considering that the bearing will fail because of the fatigue failure because we know that bearing can fail because of the other failures also maybe some dirt particle comes because of that high impact load is generated that bearing can get fail but we are not considering that type of failure while defining the dynamic load so dynamic load is that load under which the bearing will at least persist 10 to the power 6 revolution. It means it will at least go for 1 million revolution. So, that load is called as dynamic load for a bearing. Now, what is equivalent load? We know that the advantage of this rolling element bearing is that it can sustain both axial load as well as radial load.

इक्विवेलेंट लोड कहलाएगा यानी कि अगर किसी बेयरिंग पे रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लग रहा था और उसके बावजूद बेयरिंग अगर मान लीजिए एक साल जी रही थी और अगर हमने वही सिंगल एक बार में किसी रेडियल बेयरिंग में वही रेडियल लोड लगा दिया कोई रेडियल लोड लगा दिया और कौन सा एक्सियल लोड किसी एक बेयरिंग में लगा दिया तो वो वैल्यू जो कि अकेले ही उस बेयरिंग पे लगने पर वो बेयरिंग की लाइफ उतनी ही रहती है जबकि दोनों लोड एक साथ लग रहे थे तो वो हाइपोथेटिकल लोड इक्विवेलेंट लोड कहलाता है जिसको कि हम डाटा हैंडबुक में आपके ये फॉर्मुलेज दिए हुए हैं हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट लोड की जो दिया है P X VFR YFA, यहां पर एक्स और वाई रेडियल और थ्रस्ट फैक्टर है वी हमारा जो है वो रेस रोटेशन फैक्टर है इनर रिंग रोटेट करती है तो वी की वैल्यू अलग होती है आउटर रिंग रोटेट करती है तो वी की वैल्यू अलग होती है पी जो हमारा निकलेगा वो इक्विवेलेंट लोड जो कि मैंने बताया कि वो अकेला लोड जो कि रेडियल रिंग पे लगा दिया जाए अकेले या फिर एक्सएल बेरिंग पे अकेले लगा दिया जाए तो ऊपर भी बेयरिंग की लाइफ वही हो जो कि दोनों लोड कंबाइन पे लग रहे थे तो दैट इज कॉल्ड एज बेयरिंग लोड और ये जो फॉर्मुलेस पी कर दिया एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए स्टूडेंट दीज आर गिवन इन द कैटलॉग और इन केस ऑफ योर डाटा हैंडबुक ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दीज फॉर्मूलाज तो दिस इज वाट द इक्विवेलेंट लोड नाउ नाउ वी कम टू द लोड लाइफ रिलेशनशिप लोड लाइट रिलेशनशिप मीन्स वी नो वाट इज डायनमिक लोड वी नो वाट इज़ इक्वरेंट लोड तो जब हम डायनेमिक लोड भी जानते हैं और हम इक्ूबरेंट लोड भी जानते हैं तो हमारी किसी दी हुई सेट में कितनी बियरिंग्स अगर हम निकालना चाहें कि, कि अगर हम ये निकालना चाहें कि बियरिंग्स की लाइफ क्या होगी अगर हमको डायनमिक लोड भी पता है हमको इक्ूबरेंट लोड भी पता है तो हम एल्टन हमारा ये बता रहा है कि एल्टन इज इक्वल टू सी बाई पी होल्ड टू द पावर स्मॉल पी जहाँ पर स्मॉल पी की वैल्यू थ्री दी हुई है इन केस ऑफ बॉल बेयरिंग एंड टेन बाई थ्री होती है इन केस ऑफ रोलर बेयरिंग तो इससे हम निकाल सकते हैं हमारे बेयरिंग की लाइफ की वो कितने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगी यहां पर एल्टन का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम नाइनटी परसेंट बियरिंग उतने रिवॉल्यूशन के बाद ही फेल करेंगी उनके टेन परसेंट ही केवल उस रिवॉल्यूशन से कम पे ही फेल हो जाएंगे यहां पर एल्टन डिनोट्स की टेन परसेंट फेलियर रेट है इंटी परसेंट क्या है पासिंग रेट यानी द रिलायबिलिटी ऑफ द बेयरिंग इज नाइन्टी परसेंट तो अगर नाइन्टी परसेंट बियरिंग दिए हुए लोड पे कितने मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद फेल होगी तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस फॉर्मूला सी अपॉन पी होल्ड टू दावर स्मॉल पी वेयर सी इज द डायनेमिक लोड पी इज द एक्ूवेंट लोड एंड पी इज अ फैक्टर हुल्यू विल बी थ्री फॉर बॉल बेयरिंग एंड टेन बाई थ्री फॉर रोलर बेयरिंग दिस फॉर्मुला इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कैटेलॉग और इन योर डाटा हैंडबुक तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा कि किसी भी बेयरिंग की कितनी लाइफ है मिलियन रिवॉल्यूशन में अब जैसा कि मुझे पता है कि मैंने बता दिया कि मैंने हमने लाइफ बियरिंग की निकाल ली मिलियन रिवॉल्यूशंस पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हो सकता है बियरिंग की लाइफ दो तरह से एक्सप्रेस की जाए कि भाई वो कितने घंटे में फेल हुई या उन दिए हुए घंटों में उसने कितने मिलियन रिवोल्यूशन रोटेट किए तो दोनों ही तरीके बियरिंग लाइफ को एक्सप्रेस करने के हैं तो उन दोनों में एक रिलेशन डेवलप किया जाता है कि अगर हमें बियरिंग लाइफ आवर्स में पता है तो उस आवर्स की लाइफ को हम मिलियन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस यहां पर डिनोट करता है लाइफ ऑफ बियरिंग इन द मिलियन रिवॉल्यूशन कंसीडरिंग दैट 90 परसेंट ऑफ द बियरिंग आर पासिंग ऑनली टेन परसेंट इज द फेलियर रेट तो यहां पर अगर हमें लाइफ ऑफ बियरिंग इन आवर्स में पता है जिसको कि हम एल से डिनोट कर रहे हैं तो लाइफ ऑफ बियरिंग इन मिलियन रिवॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं यहां पर जो स्मॉल एन है दैट इज डिनोटिंग स्पीड ऑफ इन नाउ दिस आर जनरल लाइफ जो कि मैंने बताया कि अलग अलग बियरिंग्स को अलग अलग तरह से हम डिफाइन करते हैं अगर हम जनरली कार्स की बात करें तो आप उनमें जो बियरिंग्स लगी होती है वो करीब करीब फिफ्टी मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही फेलियर फर्स्ट फैटिक फेलियर का दिखाती है यहां पर मैंने पहले ही बताया कि जो भी क्वेश्चन हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि फेलियर हमारा फैटिक फेलियर है मैंने पहले भी बताया अदर फेलियर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं ट्रक्स हमारी जो है कम से कम उनकी जो बेयरिंग्स है सौ मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही फेल करती हैं हमारे जो नॉर्मल हैंड एंड टूल्स हैं हैंड टूल्स हैं वो चार हज़ार से आठ हज़ार घंटे के बाद फेल करते हैं यानी इनको हम घंटों में डिफ़ाइन करते हैं कुछ हमारी मशीन जो कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन में है जैसे पंप है वो चालीस से साठ घंटों के बाद सस्टेन करते हैं तब उनकी बेयरिंग फेल होती है अब एक और बात हमने आपको बताई कि अभी तक मैंने जो फार्मूला बेयरिंग डायनेमिक लोड का बताया इक्विवेलेंट लोड भी मैंने पढ़ा तो हम लोगों ने जब डायनेमिक लोड बताया तो मैंने बताया कि यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि बेयरिंग की रिलायबिलिटी 90 परसेंट है यानी कहीं दिए हुए सेट में एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट बेयरिंग वो लोड सहने के बाद फेल हो रही है टेन परसेंट बेरिंग ही फेल हो रही है नाइन्टी परसेंट बेयरिंग वो लोड को सह ले रही है और उतना सहने के बावजूद वो उतने मिलियन रिवोल्यूशन की बेयरिंग लाइफ जी रही है लेकिन कभी कभी वेन द ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्टन एप्लियंसेज़ तो वहां पर हमको रिलायबिलिटी 90 परसेंट से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो उन केसेस में विबुल हमारे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बियरिंग लाइफ और रिलायबिलिटी पे स्टडी किया और उन्होंने कुछ फार्मूलेज हमें दिए जो कि हमारे डाटा हैंडबुक में दिए हुए हैं इस फार्मूले से हम बियरिंग की लाइफ अगर वो 90 परसेंट से ज़्यादा की रिलायबिलिटी है तो भी हम निकाल सकते हैं जिसको कि हम एल से डिनोट कर रहे हैं अगर हमें बियरिंग की लाइफ जबकि रिलायबिलिटी 90 परसेंट थी थी तो उसकी लाइफ हम किससे डिनोट करते हैं एल्टन से तो जब बियरिंग की लाइफ 90 परसेंट एटलीस्ट बियरिंग हमारी डी ओ लोड पे पास हो रही थी तो उस समय की लाइफ को हम एल्टन कहते हैं उस समय की जो रिलायबिलिटी आर नाइन्टी थी उसको यानी कि उसकी वैल्यू कितनी थी क्योंकि रिलायबिलिटी नाइन्टी थी तो आर की वैल्यू पॉइंट नाइन क्योंकि रिलायबिलिटी क्या होती है प्रॉबिलिटी वी नो द नंबर ऑफ बियरिंग जो कि सक्सेसफुली उतने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट कर रही है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बियरिंग दैट विल बी दैल्यू ऑफ द रिलायबिलिटी तो इस रिलेशन से हम अगर हम किसी और हाइयर रिलायबिलिटी की वैल्यूज पे लाइफ निकालना चाहते हैं तो वहां पर आर की वैल्यू पुट करके कि अगर हम 95 की वैल्यू पर 95 फाइव परसेंट लिए निकालना चाहते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.95 और वहां से हम एल की वैल्यू निकाल करके उस समय उस बियरिंग की कितने मिलियन रिवॉल्यूशन लाइफ होगी वो हम निकाल सकते हैं यहां पर यह निकालते समय एक चीज़ को माना गया है कि एल फिफ्टी इज इक्वल टू फाइव टाइम एल टेन वट डज दैट मीन्स इसका मतलब यह होता है कि मान लो मगर मैं कहता हूं कि नाइन्टी अगर हमने सौ बेयरिंग की सेट बनाई उसमें हम मान के चलते हैं कि पचास मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद नाइन्टी परसेंट बेयरिंग पचास मिलियन रिवॉल्यूशन एटलीस्ट पास कर रही हैं तो अगर हम बेयरिंग्स को कम कर देंगे यानी फिफ्टी परसेंट कर देंगे तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन जिनके बाद वो बेयरिंग फेल होंगी वो और बढ़ जाएंगे क्योंकि तो अगर हम यह कह रहे हैं कि पचास मिलियन रिवॉल्यूशन नाइन्टी परसेंट बियरिंग की लाइफ है तो इसका मतलब यह नहीं कि सबकी पचास मिलियन लाइफ है किसी की पचपन मिलियन रिवॉल्यूशन होगी किसी की पैंसठ मिलियन रिवॉल्यूशन होगी पर ओवरऑल नाइन्टी परसेंट बियरिंग जो है पचास मिलियन से ज्यादा की रिवॉल्यूशन के बाद ही फेल कर रही है तो अगर फिफ्टी परसेंट को देखा गया है तो यह एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि फिफ्टी परसेंट केसेस की जो रिलायबिलिटी होती है वो फाइव टाइम्स ज्यादा लाइफ होती है वो फाइव टाइम्स ज्यादा होती है जो टेन परसेंट बियरिंग केवल फेल कर रही है यानी जब नाइन्टी परसेंट बियरिंग अगर की रिलायबिलिटी ले रहे हैं और अगर हम फिफ्टी परसेंट की बियरिंग की ले रहे हैं तो लाइफ फाइव टाइम्स बढ़ जाती है तो इसको मानते हुए एक रिलेशन और आता है आर एस इज इक्वल टू आर टू द पावर एन जो कि मेरे इस बात को प्रूव करता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट की रिलायबिलिटी जिसको कि हम आर एस मार रहे हैं वो आर टू दी पावर आन है आर क्या है ग्रुप की रिलायबिलिटी एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी प्रेजेंट इन द ग्रुप तो हमेशा इंडिविजुअल एलिमेंट की रिलायबिलिटी ग्रुप से ज़्यादा होगी और ये रिलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स इसका कई बार इस रिलेशन का फायदा होगा जब हम को रिलायबिलिटी 90 परसेंट से ज़्यादा दी होगी क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने डायनमिक लोड किया इक्विवेलेंट लोड के लगाए हैं वो तब है जब रिलायबिलिटी 90 परसेंट है अगर 90 परसेंट से अलग रिलायबिलिटी है तो इस प्रॉब्लम से इस रिलेशन से हम रिलायबिलिटी की वैल्यू उन हायर परसेंटेज के लिए भी लाइफ को निकाल सकते हैं अब हम आते हैं पहले सवाल में जिसमें कि दिया गया है कि एक हमारी बेयरिंग है जिसकी है कि ऊपर रेडियल लोड 245.5 न्यूटन लगा है थ्रस्ट लोड 490.5 न्यूटन लगा है बेयरिंग के अंदर जो शाफ्ट है वो 300 हंड्रेड पे रोटेट कर रही है बेयरिंग को रोज़ आठ घंटे चलना है तो बोल रहा है कि बताइए बेयरिंग का साइज़ क्या होगा और उसकी रेटेड लाइफ और बेयरिंग को डिज़ाइन करना है बेसिकली स्टूडेंट्स डिज़ाइन करने से पहले मैं एक चीज़ को आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जबकि आप डिजाइन करेंगे आपके मन में रहना है कि कहीं ना कहीं आपको डायनेमिक लोड सी की वैल्यू निकालना है जब आप डायनेमिक लोड सी की वैल्यू निकाल लेंगे अपने डाटा हैंडबुक से कंपेयर करेंगे उससे आपको बेयरिंग नंबर मिल जाएगा इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस सवाल में हमको यह नहीं दिया गया है कि उस बेयरिंग को कितने साल चलना है तो डिपेंडिंग एज ए डिजाइनर आप फ्री हैं हमने यह माना कि मान लेते हैं कि बेयरिंग को हम डिजाइन कर रहे हैं कि कम से कम यह दो साल चलेगी साथ ही साथ हफ्ते में संडे को छुट्टी होती है तो हम चाहेंगे कि छः दिन ये वीक में चलेगी रोज आठ घंटे चला तो एक वीक में सिक्स इंटू एट चलेगी टोटल फिफ्टी टू वीक्स होती हैं तो टोटल सिक्स इंटू एट इंटू फिफ्टी टू हो गया क्योंकि हम दो साल के लिए मान रहे हैं तो दो साल में कितने घंटे चले सिक्स इंटू एट इंटू फिफ्टी टू इंटू टू यानी फोर नाइन नाइन टू आवर वो बियरिंग उतने घंटों के लिए हम बियरिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था कि वी नो कि अगर हमें लाइफ ऑफ बियरिंग इन आवर्स पता है तो उसी आवर्स में वो कितने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगी उसको भी हम निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला आपके डाटा हैंडबुक में दिया है मैंने अभी पहले डिस्कस भी किया है तो उससे हमने एल्टन निकाल लिया है ये मानते हुए कि नाइन्टी परसेंट बियरिंग कम से कम एट्टी नाइन पॉइंट एट फाइव मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगी जबकि कब जबकि हमारी लाइफ उतने घंटे की थी दो साल अगर वो चल रही है अब हमारे बेयरिंग पे चूँकि रेडियल लोड और एक्सील लोड दोनों लगा है तो मैंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंट लोड निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट लोड क्या होता है पी इज इक्ल टू एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए तो यहां पर अब हमें एक्स वी एफ आर और वाई एफ ए जो हमें देखना है तो स्टूडेंट्स ये एक कैटलॉग है या डाटा हैंडबुक है यहां से आपको एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और वी की वैल्यू आपको मिलेगी इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं चूँकि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि डीप ग्रूप बॉल बेयरिंग जो लेती है वो रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों तरह को सहने की उसमें सामर्थ्य होता है तो हमने रेडियल हमने क्या माना हमने डीप ग्रूप बॉल बेयरिंग को अपने लिए माना है और उसके लिए साथ ही साथ हमने माना है कि इनर रिंग रोटेट कर रही है क्योंकि हमने पहले भी ये भी बताया है कि एक ही रिंग रोटेट करती है तो फॉर इनर रिंग रोटेटिंग हमारे इस टेबल से दिया हुआ है कि वी की वैल्यू वन होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बता दूँ कि हर बॉल बेरिंग्स के लिए अलग अलग एक्स वी एफ आर वाई की वैल्यू होती है हम अभी टेबल में डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए देख रहे हैं हम यहाँ पर डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए देख रहे हैं यहाँ पर डीप ग्रुप बॉल बेरिंग दे रहा है उसके लिए हम एक्स वी एफ आर वाई एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर इनर रिंग रोटेट कर रहा है यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू अगर ई e से ज़्यादा है तो एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव सिक्स है यहाँ पर आपको ई e एक वैल्यू आपको मानना पड़ेगा ई e मानने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी अगर एफ ए वाई वी एफ आर ज्यादा है तो वाई की वैल्यू यह मिलेगी अगर ई e से कम है तो इसकी वैल्यू मिलेगी ई e क्या है ई e एक फ्रैक्शन है जो कि बताता है कि सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड अगर पड़ रहा है तो उससे कम अगर एक्सियल लोड की वैल्यू है तो टोटल लोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है यहां पर यह भी बात बताना पड़ा होगा कि एफ ए वाई एफ आर अगर ग्रेटर आता तो इट मीन रेडियल लोड है तो ये एक फ्रैक्शन है जिसको कि हम एज्यूम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट एजम्पन हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी इनर रिंग अगर रोटेट कर रहा है तो हमेशा वी की वैल्यू वन होती है आउटर रिंग रोटेट करता है तो वैल्यू वन पॉइंट टू होती है तो ये मानते हुए हम एफ ए बाई वी एफ आर अपने सवाल के लिए निकालेंगे हमारे लिए एफ ए की वैल्यू फोर नाइनटी पॉइंट फाइव दी है वी अभी हमने बता दिया वन है टू फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव हमारी एफ आर की वैल्यू थी तो एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू टू हो गई हमने पहले ही बताया था कि हमें डीप ग्रू बॉल बेयरिंग हमने माना है ई e हमने पॉइंट फोर फोर मान लिया तो ई e हमने जब पॉइंट फोर फोर मान लिया तो हमारे पास एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू जो कि हमारी टू आई है वो ई e से ज़्यादा है तो जब ई e से ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या मिल गया हमको एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू मिल गई तो मिलने के बाद हमने क्या कर लिया हमने पी की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमको जब एफ ए बाई वी एफ आर हमारी ई e से ज़्यादा आ गई थी तो हमें e की वैल्यू एफ हमने ई e क्या माना पॉइंट फोर फोर तो एफ ए बाई वी एफ आर के लिए वाई की वैल्यू वन हो गई एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव सिक्स हो गई तो हमने पुट कर दिया हमें पी का मान मिल गया हमें क्या मिल गया एक्स पॉइंट फाइव सिक्स वाई वन पुट करके हमें पी का मान मिल गया और जब तो हमें पी का मान मिल गया तो हमने पहले स्टूडेंट्स कहा था हमारा लक्ष्य था सी की वैल्यू यानी डायनमिक लोड की वैल्यू निकालने के लिए तो डायनमिक लोड की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जो हमें बताया था डाटा एंड बुक में दिया है सी इज इक्वल टू पी एल टेन होल्ड टू द पावर वन बाई पी तो पी का मान अभी हमने क्यूबलेंट लोड निकाला 627.9 न्यूटन आया था हमने पुट कर दिया एल्टन यानी कि कितनी बेयरिंग लाइफ थी वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे दो साल के लिए हमने अवर्स भी निकाल लिए थे उसको मिलियन रिवॉल्यूशन में भी कन्वर्ट कर लिया था तो एटी मिलियन रिवॉल्यूशन लाइफ आई थी क्योंकि हमने डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग ली है तो बॉल बेयरिंग के लिए पी स्मॉल पी का मान थ्री होता है यहां फॉर्मूला वन बाई पी है तो वन बाई थ्री हो गया उससे डायनमिक लोड कैपेसिटी टू एट वन टू पॉइंट थ्री न्यूटन आ गई यानी कि इसको टू पॉइंट एट किलो न्यूटन हमने मान लिया तो हमें सी की वैल्यू मिल गई अब हम डाटा हैंडबुक से इस सी के लिए हम आपको और क्लियर कर लेते हैं जब हमारी सी की वैल्यू हमारे मिल गई तो इस सी की वैल्यू अगर हमें जो मिली है उसकी अगर हम बात करें तो हमारी सी की वैल्यू जो मिली है वो मिली है टू एट वन टू पॉइंट थ्री न्यूटन यानी कि करीब करीब टू पॉइंट एट किलो न्यूटन तो इसको अगर हम डाटा हैंडबुक से देखते हैं कि इसके करीब कौन सी बेरिंग है या तो इससे ज़्यादा है या ऐसे तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सिक्स टू डबल जीरो सिक्स टू डबल जीरो जो बेयरिंग है इसके लिए डायनमिक लोड की वैल्यू थ्री नाइन टू फाइव है जो कि सबसे करीब है क्योंकि हमारा टू पॉइंट एट किलो न्यूटर है ये थ्री पॉइंट नाइन किलो न्यूटर है तो हम सिक्स टू डबल जीरो बियरिंग को हम चूज कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के लिए इस बियरिंग का जो बोर्ड डाया होगा वो टेन एम एम हो जाएगा आउटर डाया थर्टी एम एम हो जाएगा विथ नाइन एम एम हो जाएगी तो यहां पर यह बियरिंग हमारी डिजाइन हो गई इस बियरिंग में चूंकि हमें साफ डाया नहीं दिया था तो हम फ्री थे कि कौन सी बेयरिंग डिजाइन करें लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया डायनमिक लोड की वैल्यू निकाली डायनमिक लोड को इस से कंपेयर किया उससे हमें बेयरिंग नंबर नंबर और बेसिक डिजाइन को हम हमेंट कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं इस सवाल में क्या दिया है बच्चों इस सवाल में आपको शाफ्ट का डाया सेवेंटी फाइव एम एम दिया हुआ है कि आपको सेवेंटी फाइव एम एम शैफ्ट के लिए एक बेयरिंग डिजाइन करनी है उस बेयरिंग में जो शाफ्ट है वो तीन सौ पचास आर पे रोटेट कर रहा है रेडियल लोड 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है एक्सियल लोड 2 किलो न्यूटन का लगा है साथ ही साथ बेरिंग को रोज 10 घंटे काम करना है यहां पर भी इस सवाल में यह नहीं दिया है कि बियरिंग को आपको कितने दिनों के लिए डिजाइन करना है तो एज ए डिजाइनर आप फ्री हैं हमने इस बेयरिंग को एक साल के लिए मान लिया कि हम एक साल के लिए इस बेयरिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले लाइफ इन आवर्स निकालेंगे तो लाइफ इन आवर्स जैसे पहले निकाला था हफ्ते में छह दिन होते हैं एक दिन में अगर वो एक दिन में दस घंटे काम कर रहा है तो छः दिन में टेन इंटू सिक्स करेगा साल में टेन इंटू सिक्स इंटू फिफ्टी टू करेगा मल्टीप्लाइड वन क्योंकि यहाँ पर एक ही साल है तो टोटल तो तो नंबर ऑफ लाइफ इन आवर्स हमारी थ्री वन टू जीरो आवर्स निकल गई फिर हम इन्हीं घंटों को अगर इतने ही घंटे लाइफ चल रही है अब जैसे आप दस घंटे चला रहे हैं अब रोज अगर आप चौदह घंटे चलाने लगेंगे तो आप कहेंगे कि भाई वो तो जल्दी हो गई लेकिन नहीं कम से कम वो इतने रिवॉल्यूशन जरूर करेगी कितने चाहे आप अगर अगर आप दस घंटे चलाएंगे तो आपने लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन उसी फॉर्मुले से निकाल ली सिक्सटी बाई तो आपकी आई सिक्स टू यानी या तो वो तीन हजार एक सौ बीस घंटे बाद फेल करेगी या सिक्स फाइव पॉइंट फाइव टू मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही वो बेयरिंग फेल होगी यानी इतने के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं आप डिजाइन कर रहे हैं तीन हजार एक सौ बीस घंटे या मिनिमम सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव टू मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही ये बेयरिंग फेल करेगी तो यहां पर आपने लाइफ इन आवर्स और लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन निकाल लिया फिर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स फिर हमारा वही होगा इक्विवेलेंट लोड निकालना इक्विवेलेंट क्योंकि यहां पर एक्सील लोड और रेडियल लोड दोनों लग रहा है तो फिर वही एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए यहाँ करके हम इक्विवेलेंट लोड निकाल सकते हैं यहां पर हमने फिर से एफ ए बाई वी एफ आर निकाला एफ ए हमारा टू किलो न्यूटन दिया है रेडियल लोड हमारा टेन किलो न्यूटन दिया है इनर रिंग रोटेट करते हुए हम मान रहे हैं जैसा कि मैंने पिछले भी सवाल में दिखाया था तो एफ ए बाई वी एफ आर पॉइंट टू आ गया इस सवाल में हम ई e की वैल्यू पॉइंट वन नाइन ले रहे हैं तो यहां पर भी जब पॉइंट वन नाइन ले रहे हैं तो एफ ए बाई वी एफ आर ग्रेटर देन ई आया फिर से स्टूडेंट्स क्योंकि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लग रहा है तो हमने डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग को चुना तो जब डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग को चुना है स्टूडेंट्स तो हम टेबल में भी डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग को ही स्टडी करेंगे तो देखते हुए एफ ए बाई वी एफ आर जब ई e से ज्यादा है और इनर रिंग रोटेट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव सिक्स हो गई इनर रिंग रोटेट कर रहा है तो वी की वैल्यू वन ही रही एफ ए बाई वी एफ आर ग्रेटर देन ई है सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए डाटा हैंडबुक टेबल जैसा कि मैंने पहले देखा था तो वहां से वाई की वैल्यू टू आ गई इसको जब हमने पुट किया तो इससे अब हमें क्या निकल गया इक्ट लोड पीअल टू एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए स्टूडेंट्स ये सारे आपके कैटलॉग या डाटा हैंडबुक में दिए रहते हैं हमें केवल कैटलॉग कैसे देखना है जैसा कि मैंने बताया कि आपको एफ ए वाई वी एफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है E की वैल्यू एजूम करनी है एफ ए वाई वी एफ आर ग्रेटर देना ही होगा या लेस देन ई होगा डिपेंडिंग ऑन दैट एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी V की वैल्यू वन रहेगी अगर इनर रिंग रोटेट कर रही है और अगर आउटर रिंग रोटेट कर रही तो 1.2 हो जाती है यहां पर इनर रिंग रोटेट कर रही तो वी की वैल्यू हमने वन लेकर इक्विवेलेंट लोड वन जीरो टू डबल जीरो न्यूटन लगा दिया अब यहां से हमें पी की वैल्यू मिल गई है अब हमने आपको बताया था कि हमारा लक्ष्य होता है कि हमें डायनेमिक लोड सी की वैल्यू निकालनी होती है अब डायनेमिक लोड सी की वैल्यू निकालें या फिर यहां पर हम एक सॉल्व करने का अलग तरीका निकाल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर साफ्ट का डाया दिया हुआ है कि 75 फाइव एम एम के लिए आपको डिफाइन करना है तो आपने 75 फाइव mm एम डाया के लिए आप टेबल में गए और टेबल में आपने जाकर के सेवेंटी mm डाया के लिए आपने एक बेरिंग चूज कर ली 6215 टू वन सीधे सीधे आपने चूज कर ली जब 6215 आपने चूज कर ली तो उसकी डायनेमिक लोड की वैल्यू डबल सिक्स थ्री डबल जीरो दी हुई है आपको आपने बेयरिंग कौन सी चूज की सिक्स उसके लिए डायनेमिक लोड की वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको यहां से सीधे सीधे डायनमिक लोड की वैल्यू मिल गई लेकिन बेयरिंग आपने आपने अपने आप आपने, अपने आप आप डिजाइन कर चूज कर लिया तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे हमको जो डायनमिक लोड की वैल्यू हमने सिक्स टू वन फाइव के लिए पुट की है उसको इस फॉर्मले में हमने पुट किया सी की वैल्यू पी की वैल्यू वही थी जो हमने कैलकुलेट किया था तो उससे हमें एलटेन की वैल्यू फिफ्टी एट पॉइंट एट सिक्स मिलियन रिवॉल्यूशन आ गई पर हमारे दिए हुए कंडीशन में जब हमको दो एक साल के लिए हम इस बेयरिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो हमने जब उसकी लिविनियल रिवॉल्यूशन में लाइफ निकाली थी तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव टू मिलियन रिवॉल्यूशन आई थी लेकिन हमने जब सिक्स टू वन फाइव बेयरिंग लोड की सिक्स टू वन फाइव बेयरिंग सेलेक्ट की तो उसके लिए डायनमिक लोड जो आया वो थर्टी नाइन पॉइंट सेवन था हमने 6215 क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो हमने यहां पर बोर्ड आया 75 दी हुई है और 6215 के लिए भी टेबल में बोर्ड आया 75 दिया तो 6215 हम सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सेलेक्ट किया वो सही है कि नहीं तो यहां से जो हमारी वैल्यू आई वो 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन आई जो कि हमारी डिजाइन लाइफ से कम है तो इसका मतलब ये बियरिंग ठीक नहीं है तो अब उसी डायमीटर के लिए हम क्या करते हैं उसी डायमीटर के लिए हम अब दूसरी बियरिंग चूज करते हैं अब सिक्स की जगह अब हम क्या चूज कर रहे हैं अब हम सिक्स चूज कर रहे हैं अब हम 6015 जब चूज कर रहे हैं तो उसके लिए यहां पर डायनमिक लोड की वैल्यू कुछ और दी हुई है थ्री थर्टी नाइन किलो न्यूटर हो जाएगी तो जब थर्टी नाइन किलो न्यूटर हो जाएगी तो यहां पर हमने थर्टी नाइन किलो नीटर पुट करके हमने क्या किया 39.7 नाइन किलो नीटर पुट करके हमने फिर से बेरिंग फ्लाइव जब निकाली तो यहां पर 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन पहले के, के केस में आई थी अब हमने जब निकाली दोबारा हमने चूज की जो, जो क्योंकि 6015 से 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन पे लाइफ फेल कर जा रही थी तो हमने आपकी जब चूज़ की तो हमने बेयरिंग चूज की सिक्स टू वन फाइव सिक्स टू वन फाइव के लिए जो बेयरिंग लाइफ आ रही थी जो डायनमिक लोड की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री तो उसको जब पुट किया तो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू मिलियन रिवोल्यूशन आ गए जो कि ज़्यादा है यानी कि अब सिक्स टू वन फाइव बियरिंग जो है वो हमारे लिए सुटेबुल है हम यहां पर फिर से दिखा दें कि जो सिक्स टू वन फाइव बियरिंग है हमारे लिए वो हमारे लिए क्या है सुटेबुल है क्योंकि सिक्स टू वन फाइव के लिए जो हमारी लोड आ रही थी वो 66.3 किलो न्यूटन आ रही थी तो 66.3 किलो न्यूटन को जब हमने पुट किया 66.3 किलो न्यूटन को हमने जब यहां पर पुट किया तो हमारी जो लाइफ आ गई वो 274.62 मिलियन रिवोल्यूशन आई तो इससे ज्यादा यानी ये बेरिंग हमारे लिए अब सेफ है तो हम इस तरह से भी बेयरिंग को डिजाइन कर सकते हैं लास्ट पार्ट में हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बियरिंग नंबर आ रहा है जैसे सिक्स ये नंबर क्या डिनोट करते हैं ये नंबर्स कुछ टॉलरेंस के बारे में बताते हैं पहला नंबर हमारा जो होता है वो प्रीफिक्स होता है दूसरा सीरीज कोड होता है तीसरा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कि बेयरिंग के डायमीटर को डिवोट करता है जैसे ये फिफ्टीन है तो जनरली कन्वेंशन ये है कि हम उसको फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिफ्टीन इंटू फाइव सेवेंटी फाइव यानी ये बेयरिंग सेवेंटी फाइव एम mm एम डायमीटर के लिए सुटेबल है इसके पहले वाली भी सुटेबल थी तो जैसे जैसे हाइय सीरीज में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बेयरिंग में क्या होता है जैसे ये हमारी बेयरिंग है ये ये एक है और इससे ज्यादा हमने डायमीटर कर दिया तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाता है वो हाई सीरीज की बेयरिंग होती जाती है लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती जाती है तो बेयरिंग्स में ये नंबर्स जो होते हैं ये आपके बोर्ड आय को बताते हैं स्मॉलर नंबर्स में जैसे जीरो जीरो दिया है तो वो टेन एम एम है वन दिया है तो ट्वेल्व एम एम है थ्री है तो सेवनटीन है फोर को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वेंटी हो गया तो नाइन्टी नाइन तक हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से जब ज्यादा हो जाता है तो सीधे सीधे बेरिंग के नंबर को लिख देते हैं डायमीटर को लिख देते हैं बेयरिंग नंबर में और जब वो बेयरिंग टेन एम एम से कम होती है डायमीटर तो भी हम सीधे सीधे नंबर को लिख देते हैं तो इस तरह से हम बेयरिंग्स को डिजाइन करते हैं और इस तरह से ये बेयरिंग नंबर आपको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये किस डायमीटर के लिए आपने बेयरिंग चुनी है थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू